हेलो फ्रेंड्स, मुझे तो अभी सो के उठने के बाद पता चला कि सीजीएल का बिल्कुल चेंज ही हो गया, कम्प्लीटली चेंज। बट परेशान नहीं होना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी कवर कर लेंगे हम। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगा 2-3 मिनट में कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है पूरा। देखिए, स्टार्ट करेंगे आप अपने प्री से। प्री सेम है, 25-25 क्वेश्चन, 4 सेक्शन, 200 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन, 1.4 नेगेटिव मार्किंग। डिफरेंस यही है कि अब ये क्वालिफाइंग हो गया है, और सबसे बड़ी बात, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ आएगा। ध्यान रखिए, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा प्री की तैयारी कर रहे थे वैसी प्री की तैयारी करेंगे, बहुत टाइम बचा हुआ है, प्री क्वालिफाई हो जाएगा 100%। अब आते हैं मेंस पे। मेंस अब पहले सा नहीं रहा, मेंस में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। स्टार्ट करते हैं पेपर वन से। पेपर वन में मॉड्यूल वन है, मॉड्यूल टू है। मॉड्यूल वन में आपको क्या मिलेगा, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसके पैटर्न्स में, बट कोई बात नहीं, उसको भी हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ से, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग से, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1 होगा। इसका मतलब ये है कि पेपर वन जो का हो गया आपका 180 मार्क्स का हो गया, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, 180 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। कोई ज़्यादा पैटर्न में चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम में ज़्यादा चेंज नहीं है, इसलिए जो पढ़ाई हम कर रहे हैं सिर्फ वही पढ़ाई करेंगे। रीजनिंग के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैंकिंग की तरफ हम लोगों को झुकना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, उसको कर लेंगे। ठीक है, पेपर वन 180 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 क्वेश्चंस, 180 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1, और सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है, बट मिनिमम कट ऑफ है, ये आपको भी बताऊंगा पेपर टू के बाद। पेपर टू की बात करेंगे तो पेपर टू में आपके 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएंगे। सबसे अच्छी बात फिर से मैं आपको बता दूं कि देखिए, अब इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, इसका मतलब ये है कि 135 नंबर का इंग्लिश होगा, और 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 90 नंबर का मैथ्स है, इसीलिए आपको इंग्लिश पर अब ज़्यादा ध्यान देना है। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के, मतलब 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हो गए, तो आपके 45 और 25 हो गए 50 भी 70, 70 क्वेश्चन आपके हो गए पेपर टू में, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल मार्क्स हो गए आपके 210। ठीक है, ये भी आपके लिए सिंपल, ये सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं है इसमें, सिंपली बस आपको एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना। जैसे कि अब इसके लिए क्या दिया हुआ है, सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 30% स्कोर करना होगा हर दोनों पेपर में। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 25% स्कोर करना होगा, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ओनली 20%। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पेपर वन में मिनिमम 180 का 30% दैट मीन्स 54 मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, और सेकंड पेपर में आपको 210 का 30% दैट मीन्स कि 63 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बस ये मिनिमम कट ऑफ है, इतना आपको स्कोर करना है और आप एलिजिबल होंगे अगले पेपर के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि अब ये 700 नंबर का जो पेपर होता था उसमें से कोई कट ऑफ नहीं लगने वाली है। 390 नंबर, पेपर वन 180, पेपर टू 210, टोटल 390 मार्क्स, 390 मार्क्स से ही आपका मेरिट बनेगा, इसी से आपको पोस्ट मिलेगी, और डीबी का भी टाइम बचेगा, क्योंकि अब डीबी भी जो जिस पोस्ट पे आप सेलेक्ट होंगे वो डिपार्टमेंट ही आपका डीबी कराएगा। ठीक है, तो आपको अब जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है और जो डबल एओ की पोस्ट है, इसको छोड़ के आप अगर तैयारी कर रहे हैं ऑल अदर पोस्ट के लिए, तो आपको सिर्फ 390 में से मैक्सिमम स्कोर करना है अपने किसी डिजायर्ड पोस्ट के लिए। ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो पेपर होता था अकाउंट्स और फाइनेंस वाला, वो सेम ही है जैसा था पहले, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और डबल एओ के लिए भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है, ये ओवरऑल है पैटर्न, आप इस पैटर्न को एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ इसमें छूट रही है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन दैट मीन्स कि 60 नंबर का वो पेपर होगा। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो भी क्वालिफाइंग ही है नेचर में, वो डिपेंड करेगा कि किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ निकालते हैं वो लोग, क्योंकि हो सकता है कि इंस्पेक्टर्स के लिए कुछ अलग कट ऑफ निकाले, टैक्स असिस्टेंट्स के लिए कुछ अलग कट ऑफ निकाले, बट या वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका मार्क्स कहीं ऐड नहीं होगा। मैं आपको जैसे बता दिया हूँ कि 390 नंबर में ही आपका पूरा मेरिट बनना है, और कोई भी परेशानी होने की बात नहीं है, सब ईजी है, सेलेक्शन लेना और भी आसान हो गया इस बार से, और सबसे बड़ी बात कि आपका टाइम बचने वाला है। ठीक है, एक टाइपिंग की भी बात आ रही थी, उसमें डीएसटी टाइपिंग के लिए तो पहले भी डीएसटी देते थे, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा इजी स्टैंडर्ड्स हो गए हैं डीएसटी के लिए, क्योंकि पहले एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर जो था बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, अभी शायद 20% हो गया। दैट मीन्स कि अगर आप 2000 कीवर्ड्स का प्रेशर दे रहा है वो, तो अगर आप 1800 वर्ड 1600 वर्ड भी करके आते हैं तो आप टाइपिंग पे पास हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइपिंग आराम से कर सकते हैं। आपको बस अब अपने मैथ्स और इंग्लिश पे ध्यान देना है, और इस बार तो जीके रीजनिंग और जीके, अब इसको आपको ये ध्यान देना है कि अब आपको चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है सेलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी अभी मैं बनाता हूँ एक अच्छे से, देखते हैं क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको फिर से मिलूंगा इस डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ कि अब आगे हमें क्या फॉलो करना है, क्योंकि अब तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी हमें।
बाकी इस वीडियो को देख के आप अपना सारे कन्फ्यूजन क्लियर करिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पे आज मैं अपने चैनल पे शाम में लाइव आऊँगा, आप वहाँ से आके डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का पॉपअप आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मिलते हैं शाम को आपको, बाय।